प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया पांचवा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 28 पद में पाते हैं। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जो कुछ यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हो रहा था वो कोई अकस्मात नहीं था और ना ही कोई एक्सीडेंट था, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले से ही इस बात को डिसाइड कर लिया था कि उसका पुत्र इस संसार में आकर दुख को झेलेगा, और सिर्फ दुख को ही नहीं झेलेगा बल्कि अपनी जान पूरी मनुष्य जाति के लिए देगा। चौथे वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर इस पूरी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़े हुए थे, इसीलिए उसके पिता ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता है। वो क्रूस पर से कहता है कि मैं प्यासा हूं। यह इस बात को बताता है कि वो शरीर में होकर अपने जीवन में दुखों को महसूस कर रहा था। इस संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला आज पानी मांगता है क्योंकि वो प्यासा है। जिसके कंट्रोल में समुद्र, नदियां, बड़े बड़े सोते और तालाब हैं, वो आज पानी मांग रहा है। जो कहता है कि जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, आज वो प्यासा है। जो पानी को दाखरस बना देता है वो आज प्यासा है। जिसको परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है वो इस बात को कहता है कि वो प्यासा है। अगर हम परमेश्वर के इस वचन में देखें तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 100% परमेश्वर था, लेकिन इसकी इस प्यास से यह प्रमाणित होता है कि वो पूरी तरह से 100% मनुष्य था, और मनुष्य को ही इस संसार में, इस पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को देना था। इससे पहले बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती थी, जिसके कारण जो यीशु मसीह है वो उन सारे जानवरों का एक प्रतिरूप था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अब ना तो किसी जानवर की बलि दी जाएगी, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह अपनी जान को इस पूरी मनुष्य जाति के लिए देता है। इससे पता चलता है कि वो मनुष्य रूप में होकर अब इस पूरी मनुष्य जाति के लिए अपनी जान को देता है। जिसको परमेश्वर ने पूरे अधिकार दे रखे थे, जिस जो कहता है इस बात को कि मैं अपनी जान देता हूं और फिर से उसको वापस लेता हूं, क्या वो अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? अगर वो अपने शब्दों को ही कह देता तो पानी के सोते बह जाते। अगर वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता तो उसके लिए स्वर्गदूत पानी लेकर उसके सम्मुख आ जाते। लेकिन क्यों वो यहां पर कोई मिरेकल नहीं करता? क्यों वो यहां पर प्यास के लिए पानी मांगता है? क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को क्रूस पर पूरा कर रहा था। दुख की घड़ी में अपने पिता की इच्छा को पूरा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो उस समय में हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। और यहां पर जब क्रूस पर यीशु मसीह प्यासे हैं तो वो अपने पिता की आज्ञा को, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। और यही वो हमें दिखाता है कि जब दुख और परेशानी और संकट हमारे जीवन में आता है तो उस समय में हमें अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। वो शरीर में होकर आपके और मेरे लिए दुख उठाता है। उसकी शारीरिक मृत्यु हमारे आत्मिक शरीर के लिए अनंत जीवन तक के लिए वो हमें जीवन देता है।
और ये सिर्फ उसने आपके और मेरे लिए किया है। उसका क्रूस पर प्यासा होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उसने शरीर में होकर अपनी जान दी, और जब कोई शरीर में होकर अपनी जान देता है तो वो फिर से जीवित नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने शरीर में अपनी जान देकर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यदि हम पूरी मनुष्य जाति में देखें तो यदि कोई मुर्दों में से जी उठा है तो वो फिर मरा। याइर की बेटी को यीशु मसीह ने जिंदा किया लेकिन वो फिर मरी। लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया वो फिर मरा, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। और दिस इज द मैसेज ऑफ रिजरेक्शन फॉर अस। यही हमारे लिए वो मैसेज है कि वो शरीर में होकर अपने जान देता है ताकि हम उस उद्धार को, उस पुनरुत्थान को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें जो यीशु मसीह ने अपने अपने जीवन में हमारे लिए किया। हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, जो भविष्यवाणियां हैं, वो यहां पर पूरी होती हुई दिखाई देती है। जो कुछ परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में पहले से ही लिखा जा चुका है वो आज पूरा हो रहा है। उसके विषय में भजनकार 69 उसके 21 पद में कहता है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। आज ये भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रियो, जो परमेश्वर का प्लान है, जो परमेश्वर की योजना है, वो कभी विफल नहीं होती। परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां हैं वो कभी विफल नहीं होती। जो कुछ यीशु मसीह के साथ यहां पर हो रहा है वो परमेश्वर के प्लान में है, और जो कुछ परमेश्वर के प्लान में होता है वो सिद्ध होता है, वो परफेक्ट होता है। और जो कुछ यीशु मसीह ने अपने जीवन में दुख उठाकर परमेश्वर के लिए किया वो पूरी मनुष्य जाति के लिए लाभदायक था। और यदि हम अपने जीवन में कोई दुख या परेशानी उठाते हैं तो वो भी परमेश्वर की योजना में शामिल होती है और उसके द्वारा हमें लाभ प्राप्त होता है। प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर प्यासा था। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने शरीर में होकर मनुष्य जाति के लिए अपनी जान दी है। क्या मनुष्य जाति अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करती है? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जो चाहता है हमारे से, क्या वो मनुष्य जाति अपने जीवन में करती है? उसकी इस शरीर में मृत्यु इस बात को बताती है कि वो 100% मनुष्य था, और मनुष्य के लिए ही एक मनुष्य ने अपनी जान दी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस योजना को बनाया ताकि वो इस संसार में आए और मनुष्य के रूप में दुख उठाए। उसकी ये प्यास इसी बात को बताती है कि वो 100% मनुष्य था। प्रियो, आज हमें इस वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। वो अपने पिता की इच्छा को क्रूस पर भी पूरा करता है, जबकि उसके ऊपर इतना सताव है, इतना प्रताड़ित उसे किया जा रहा है, उतना दुख उसे दिया जा रहा है, ऐसे समय में भी वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। आज हमें भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी दुख की घड़ी में भी हमसे प्रसन्न हो, और वो हमारे लाभ के लिए, पिता परमेश्वर जो भी करता है वो हमारे लिए करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सकें, और जिस प्रकार से क्रूस पर वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता है, ना कोई वो मिराकल करता है और ना कोई वो सामर्थ्य का काम करता है, बल्कि चुपचाप दुखों को सहता है, उसी प्रकार से हमें भी ऐसे समय में परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस दुख, उस पीड़ा के लिए जो पिता परमेश्वर तेरे पुत्र ने हमारे लिए दी। हां पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे कि हम उद्धार के स्वाद को चख सके, लेकिन पिता परमेश्वर तूने इस मनुष्य जाति से प्रेम किया है, और उस प्रेम को पिता परमेश्वर तूने यीशु मसीह के रूप में दिखाया जिस प्रकार से वो हमारे लिए अपनी जान देता है। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम आज्ञाकारी दास के समान पिता परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर दुख पीड़ाओं और समस्याओं में भी पिता परमेश्वर
हम तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो सकें, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर तेरा पुत्र दुख और पीड़ाओं में भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।